एनडीए परीक्षा में देशभर में पहला स्थान प्राप्त करने वाले चरखी दादरी जिले के चंदेनी गांव निवासी अनुराग सांगवान के सम्मान में आज समारोह आयोजित किया गया। गुरुग्राम से अनुराग सांगवान दोपहर पैतृक गांव चंदेनी पहुंचे। गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समारोह में पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले बधवाना से लेकर चंदेनी तक अनुराग सांगवान को खुली जीप में लाया गया। रास्ते में निजी स्कूल के बच्चों ने पुष्प वर्षा करके अनुराग सांगवान का भव्य स्वागत किया। आयोजन स्थल पर पहुंचने के बाद अनुराग को ग्राम पंचायत की ओर से सम्मानित किया गया। बहुत ज्यादा खुश और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं अपने देश के प्रति और अपने गांव की माटी के प्रति जो मेरा ऋण था, मैं उसे कुछ हद तक चुकाने का प्रयास कर सकूं। हम सब देश के युवा जो देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहते हैं और देश सेवा के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, तो हमें फिर कितनी ही मेहनत करनी पड़े, हम उससे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। मेरे परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्तों और मेरे गुरुजनों के बिना ये मंजिल और ये लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं उनका ही वो सपोर्ट था, उनकी ही वो मदद थी। हर चीज़ की अपनी फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। हमें हमेशा फ़ायदों को अपनाने की कोशिश करना चाहिए और अगर हम में जुनून है देश सेवा करने के लिए, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए, तो हम कुछ भी कर गुजरते हैं। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी थी, तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि मुझे आर्मी में सर्विस मिल अलॉट हो जाए। हमारे पास एक तरफ कैप्टन विक्रम बत्रा सर हैं, वहीं हमारे पास दूसरी तरफ एपीजे अब्दुल कलाम सर भी हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी देश सेवा के लिए मैं अपनी ओर से अपना परम योगदान दे सकूंगा, मैं उसी रास्ते पर चलूंगा। और अगर फौज में सेवा करके मैं देश के लिए पूरा समर्पण रख सकूंगा, तो मैं फौज में सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा इतना अच्छा, मतलब जो एग्ज़ाम क्लियर है, वो मेरे बचपन का सपना था। तो किसी के मन में अगर सच्ची मेहनत करके कोई मतलब लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद हो ना, तो अगर मतलब करके अपना सपना पूरा कर सकता है, चाहे रास्ते में कितने भी चुनौतियां सामने क्यों ना आए। गुरुजनों का भी और माता पिता का सहयोग भी होना बहुत ज़रूरी है। मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी और मम्मी की भी कंडीशन अच्छी नहीं थी। हैंडीकैप होने के साथ साथ मैंने घर का काम भी किया और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। घर की पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मैंने जॉब करती हूँ मैं, और अभी भी जॉब कर रही हूँ। जॉब के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। फिलहाल डायल 112 में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर में पुलिस हेल्पलाइन नंबर है जो डायल 112। अनुराग शुरू से ही पहली कक्षा से ही पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है। जब भी उसकी थोड़ी सी मतलब गाइडलाइन देते ही अपने आप कैच कर लेते हैं, तो मुझे ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी है, बस सेल्फ स्टडी के आधार पर आगे चल रहा है। जी बिल्कुल सच है, मेहनत तो उसकी खुद की है और बहुत ज़्यादा मेहनत किया है उसने। मतलब कई बार खाना भी कम खाता था इस वजह से कि मुझे नींद आ जाएगी ज़्यादा खाना खाऊंगा तो, लेकिन मैं उसको बार बार कभी फ्रूट दे दिया, कभी खाना दे दिया, हल्का हल्का खाना देती थी। ऑलराउंडर रहा है, खेलों में भी रहा है, पढ़ाई में भी रहा है और मेरी हेल्प में भी रहा है। मतलब कुछ काम जैसे दे दिया बाहर का करने के लिए, सब्जी वगैरह या कुछ जो भी काम करने दे दिया, करता था मेरी हेल्प। चंदेनी गाँव में प्रतिभाएँ ज़्यादा हैं, हो सकता है वो इन्हीं संस्कारों में बल्कि ही अपनी प्रतिभाएँ निखार रहा हूँ। अनुराग इकलौता ही है हमारे गांव के अंदर। अनुराग सांगवान जिन्होंने पूरे इंडिया के अंदर एनडीए के अंदर एसएसबी क्वालिफाई करके यूपीएससी में रैंक वन लिया है, और इसके साथ ही गांव के एक बिटिया बहुत ही साधारण परिवार की जिसने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, इन दोनों बच्चों के सम्मान के अंदर जो है बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया गया है, जिसमें आसपास के गाँव से और गाँव के प्रभुत जो लोग हैं वो उन लोगों को बुलाया और इन बच्चों को सम्मानित किया गया। मैं स्वयं भी इस गांव से बिलोंग करता हूं, ये जानकर बड़ी खुशी हुई और मैंने भी यहां आके एक गांव के वासिंदे के नाते से इन बच्चों को आशीर्वाद दिया, अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। दोनों बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और इलाके के बच्चों का एक प्रेरणा स्रोत जो है वो बने। आज मैं अनुराग भाई को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे गाँव चंदेनी को पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इसके लिए मैं अनुराग भाई को, उसके परिवार को, गांव गुआंड को मुबारकबाद देता हूं। आज हमें ऐसा हीरा मिला है जिसने हमारा पूरा नाम रोशन किया है।